class with the sweetest name of Almighty Allah, who is the most merciful, compassionate, and benevolent. This is me, Risalata, and today I'm going to teach you about the gender and types of gender. So first of all, what is gender and from where it is taken from? So first of all, gender is taken from Arabic word. Which one? Arabic word. Genus, which means sort or kind of a noun. Gender jo hai isko Arabic word se liya hua hai, genus, jiski maini kya hai, sort or kind of a noun. So first of all, gender, it is taken from Arabic word. Arabic word isko Arabic word se liya hua hai, genus, genus usko kehte hain, jiski maini kya hai, sort or kind of a noun. एक किस्म है ये नाउन की. क्या है? नाउन की एक किस्म को हम क्या कहेंगे? जेंडर. सो जेंडर इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड जीनस, विच मीन्स सॉर्ट और काइंड ऑफ अ नाउन. जेंडर जो है अरेबिक वर्ड से लिया हुआ है जीनस, जिसके मायने क्या है, सॉर्ट और काइंड ऑफ अ नाउन, मीन्स एक किस्म है किस चीज की, नाउन की. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेंडर? जेंडर की डिफिनेशन क्या है? So, gender indicates whether a person or an animal is a male or female. ये जो gender है ये शो करता है कि क्या कि एक person के एक शख्स या animal male है या female है, means मादा है के नर है. So, gender indicates what? Indicates whether a person or an animal is a male or female. ये क्या शो करता है कि ये इंडिकेट ये करता है कि कोई शख्स या जानवर मेल है या फीमेल है, मीन्स नर है कि मादा है. तो ये हमारे पास जेंडर की क्या है, एक डिफिनेशन है. तो जेंडर क्या शो करता है कि कहीं कि एक शख्स या जानवर मेल है या फीमेल है. नाउ वी हैव सम टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड द कॉमन जेंडर एंड द लास्ट वन इज न्यूटर जेंडर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नंबर वन, वी हैव व्हाट? मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर, what is masculine gender? Masculine gender indicates what? Which refers male living creature. ये male living creature को शो करता है, male नर को शो करता है. Which refers what? Which refers male living creatures, creatures. For example, मैं कहता हूं बॉय, तो बॉय क्या है? मेल है और ये नाउन है, तो इसलिए ये क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर. अनदर, मैं कहता हूं मैन, तो मैन क्या है? मेल है, तो ये क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर. स्टेलियन, स्टेलियन जो है हॉर्स का नर होता है, हॉर्स का मेल होता है, हॉर्स का क्या होता है? मेल. तो ये जो स्टेलियन है ये क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर हो गया. दूसरा है हमारे पास जैकस, जैकस भी है, जैक, जैकस. अब जैकस जो है डंकी होती है, तो डंकी का जो हमारे पास मेल है उसको हम क्या कहेंगे? जैकस कहेंगे. और हॉर्स है, तो हॉर्स का हमारे पास स्टेलियन जो है ये मेल है, तो इसलिए ये सारे क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है. सो मैस्कुलिन जेंडर क्या है? जो कि शो करता है मेल लिविंग क्रिएचर्स को. नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ जेंडर, दैट इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर, सो व्हाट इज फेमिनिन जेंडर? Feminine gender. Feminine gender refers female living creatures. ये female living creatures को show करेंगे, मादे को show करेंगे. किस चीज को? मादे को. लेकिन masculine किस चीज को show करेंगे? नर को. और ये जो feminine gender है ये मादे को show करेंगे. Which refers what? Which? Sorry. Which refers female living creatures. ये female living creatures को show करेंगे. For example, मैं कहता हूं girl,
तो अब गर्ल क्या है, ये फेमिनिन जेंडर है. वुमेन, तो वुमेन क्या है, फेमिनिन जेंडर है. मेयर, तो मेयर क्या है, फेमिनिन जेंडर है. गर्ल, वुमेन, मेयर, जेनियस, तो ये क्या है, हमारे पास ये फेमिनिन जेंडर है. अब आप लोग अगर गौर करें, इधर हमारे पास बॉय है, तो बॉय क्या है, नर है, इसलिए हम इसको मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे. इधर हमारे पास है गर्ल, तो गर्ल क्या है, लड़की को कहते हैं. मीन्स ये क्या है, मादा है, मीन्स फीमेल है, तो इसलिए हम इसको फेमिनिन जेंडर कहेंगे. अब अगर आप लोग इधर देखें कि स्टेलियन, अब हॉर्स का जो हमारे पास मेल है वो स्टेलियन है, और जो हमारे पास हॉर्स का फीमेल है उसको हम मेयर कहेंगे. अब इधर आप लोग देखें कि डंकी, अब डंकी के मेल को हम जेकस कहेंगे, लेकिन डंकी के फीमेल को हम क्या कहेंगे, जीनियस कहेंगे. तो डंकी के मेल हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर में आ गया, और जो हमारे पास ये जो डंकी की फीमेल है ये हमारे पास जीनियस में आ गई. नाउ वी हैव अनदर टाइप दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर, नाउ व्हाट इज कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर रेफर्स बोथ मेल एंड लिविंग मेल एंड फीमेल लिविंग क्रिएटर्स. कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर क्या है, ये हमारे पास बोथ मेल को भी जाहिर करते हैं और फीमेल को भी जाहिर करते हैं. विच रेफर्स बोथ मेल एंड फीमेल लिविंग क्रिएटर्स. विच रेफर्स बोथ मेल एंड फीमेल. मेल और फीमेल दोनों को ये क्या करती है, ये रेफर करती है, दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ फ्रेंड, तो फ्रेंड जो है ये मेल को भी हम नाम दे सकते हैं और फीमेल को भी. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ शी इज माई फ्रेंड, सो इन हियर शी से हमें जाहिर हुआ कि वो लड़की जो है वो मेरी दोस्त है. नाउ आई से ही इज माई फ्रेंड, मीन्स वो जो लड़का है वो मेरा दोस्त है. मीन्स ये फ्रेंड क्या हो गया, ये कॉमन जेंडर हो गया, क्योंकि हम ये फ्रेंड जो है बोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, मीन्स दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं. दूसरा हमारे पास है डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है, ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर. अगर फीमेल है और वो डॉक्टर है, हम उसके लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं. अगर मेल है और वो भी डॉक्टर है, तो हम भी उसके लिए डॉक्टर यूज करेंगे. हैव अ लुक एट देयर, दैट इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर. She is my friend. He is my friend. Another example, we have teacher. अगर हमारे पास एक female है और वो teacher है, तो teacher female के लिए भी इस्तेमाल होगा. अगर male है उसको भी हम teacher कह सकते हैं. तो क्या हो गया, teacher भी common gender में आ गया. For example, मैं कहता हूँ friend, मैं कहता हूँ doctor, टीचर, तो अब टीचर हम दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे. मीन्स शी इज माई टीचर, ही इज माई टीचर, तो टीचर जो है दोनों के लिए इस्तेमाल होता है. मीन्स अगर लड़की हो उसके लिए भी टीचर का नाम हम लफ्ज अदा करेंगे, अगर एक मेल है और वो टीचर है, हम उसके लिए भी टीचर का लफ्ज अदा करेंगे. तो टीचर क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया. डॉक्टर भी कॉमन जेंडर. चाइल्ड, चाइल्ड एक बच्चे, मीन्स अब एक बच्ची है, शी इज अ चाइल्ड, अगर बच्चा है शी ही इज अ चाइल्ड, तो अब ये चाइल्ड क्या हो गया, ये भी कॉमन जेंडर में आ गया, क्योंकि हम ये दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं. नाउ वी हैव द लास्ट टाइप, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर, व्हाट इज न्यूट्रल जेंडर, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर. जितने भी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स है उन सबको हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे, क्योंकि उनके हमारे पास जेंडर का पता नहीं होता कि ये कौन से जेंडर से ताल्लुक लगता है. न्यूट्रल जेंडर, इसमें हमारे पास क्या आते हैं, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं. ऑल नॉन, सॉरी, लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल पेन हो गए, तो अब पेन का हमें पता नहीं है कि ये मेल है, ये मैस्कुलिन में आता है कि फीमेलिन में आता है कि कॉमन में आता है, तो ये किस में आता है, न्यूट्रल जेंडर में आता है. जिस तरह हमारे पास चेयर हो गया, तो चेयर क्या है, ये भी हमारे पास न्यूट्रल जेंडर में आता है. तो इसके साथ हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, तो अगर हमें किस चीज का जेंडर पता ना हो, तो उसके लिए हम प्रोनाउन इट इस्तेमाल करेंगे, क्या, इट या इट्स. फिर हमारे पास जो मैस्कुलिन जेंडर है, इसके लिए हम प्रोनाउन ही यूज कर सकते हैं, ही, और इसके साथ हम हिज भी यूज कर सकते हैं और हिम भी यूज कर सकते हैं. और इसी तरह फेमिनिन जेंडर के लिए हम कौन से प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, इनके लिए हम दो या तीन प्रोनाउन यूज करते हैं, वो है हमारे पास शी और हर होता है और हर्स होता है, हर्स.
तो ये जो प्रोनाउंस है हम फेमिनिन जेंडर के लिए शी इस्तेमाल करते हैं और हर भी और हर्स भी, और मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम ही हिज और हिम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जो प्रोनाउन है ये इनके साथ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर हमें अगर किसी का जेंडर मालूम ना हो तो उसको हम न्यूटर जेंडर कहेंगे और उसके साथ हम ये प्रोनाउन जो है इट इस्तेमाल करेंगे। वी विल यूज द प्रोनाउन इट। इट इज अ पेन। इट इज व्हाट? इट इज अ पेन। ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय। तो अब बॉय क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए मैंने ही प्रोनाउन इस्तेमाल किया। फेमिनिन में शी इज अ गर्ल। तो गर्ल क्या है? ये फेमिनिन जेंडर है और मैंने इसके लिए शी का प्रोनाउन यूज कर लिया। थैंक यू वेरी मच। दैट वॉज माई टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।